मंत्रिमंडल का विस्तार है। जो टेक्निकल गलतियां उन्होंने कर दी हैं आरसीपी सिंह को लेकर, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, उन गलतियों को भी तो सुधारना होगा। क्या जदयू के लोग तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं? क्या सुधाकर सिंह अकेले नेता हैं जो विरोध में बोल रहे हैं नीतीश कुमार के? अरे कितने लोगों का मुंह बंद कीजिएगा महाराज। समाजवादी चेतना विचार के मंच के लोग जो हैं वो नहीं चुप रहेंगे, लोग जो हैं वो नहीं चुप रहेंगे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई पर्दे के पीछे की कहानी बताई जाती है। नीतीश कुमार पर्दे के आगे बिहार यात्रा, समाधान यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जदयू में पर्दे के पीछे कई कहानियां चल रही हैं और सभी कहानियों में उपेंद्र कुशवाहा संलिप्त हैं। मतलब कुशवाहा इस बार जदयू में किलाबंदी, मोर्चाबंदी या जो कुछ भी कह ले सब कुछ कर रहे हैं। तेजस्वी और उपेंद्र कुशवाहा की सीधी भिड़ंत हुई है लंबे समय बाद। ये भिड़ंत 2020 चुनाव के बाद हुई है और इस भिड़ंत के माध्यम से ये तय हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं ये मान चुके हैं कि अब आने वाले दिनों में गठबंधन उसी शर्त पर चलेगी जब तेजस्वी को झुकना होगा। तो डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं ये जो भिड़ंत दोनों नेताओं के बीच हुई है। हालांकि कायदे से उपेंद्र कुशवाहा लालू यादव पर हमलावर रहते थे, तेजस्वी पर नहीं बोलते थे। तेजस्वी को समझते थे कि बच्चा है। अब जिसका जिक्र भी लोग कर रहे हैं, पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी को बच्चा समझ रहा है उनके विधायक लोग। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की बयानबाजी चल रही है क्या असर पड़ेगा बिहार में? ये तेजस्वी को बच्चा उनके विधायक नहीं समझते हैं। तेजस्वी को बच्चा बनाया जा रहा है और एकदम स्ट्रेटजी के तहत बनाया जा रहा है। उसमें सबसे बड़ा अगर कोई कल्प्रिट है, कोई सबसे बड़ा अगर दुश्मन तेजस्वी यादव का है तो वो नीतीश कुमार है। बच्चे की तरफ जो टरका रहे हैं, टहला रहे हैं, इससे मामला बिगड़ता जा रहा है। देखिए, बिहार में जो यादव समाज है उसको कंप्लीट मैंडेट मिल गया था पिछली बार 2020 के चुनाव में। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस लड़खड़ा गई जिसकी वजह से सरकार नहीं बन पाई। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ करके भाजपा के साथ जाके तेजस्वी सरकार बना लेंगे जी। लेकिन नीतीश बना सकते हैं ना। नीतीश को आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, नीतीश को जनता के मैंडेट से मतलब नहीं है, नीतीश कुमार को अपने अलावा किसी के मन में क्या चल रही है बात उससे कोई मतलब नहीं है। कैसे बैठ जाए और इस स्थिति में वो जैसा कर रहे हैं तेजस्वी के साथ वो अपने आप में बहुत दुखद है। मेरी थोड़ी देर पहले ही एक बिहार के बहुत पुराने पत्रकार से बातचीत हो रही थी, रेगुलर बात नहीं होती है, कभी कभी कर लेता हूँ उनसे, तो बहुत सारे बिंदुओं पर उनसे बात हो रही थी, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहा था। एक बात लगातार वो पूरे कन्वर्सेशन में मुझे बोलते जा रहे थे कि इतना गलत कभी किसी युवा के साथ हुआ नहीं है बिहार में। चिराग के साथ भी गलत हुआ, उनकी पार्टी टूट गई, सब कुछ हुआ, लेकिन ये सबको पता था कि उस पार्टी के चूंकि आंतरिक तत्व ही उनके खिलाफ थे तो बहुत कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव के प्रतिभा को, उनकी काबिलियत को, उनकी पार्टी की क्षमता को, विधायकों को, सारी ताकत को और उनके पीछे खड़े सपोर्ट वर्ग को, एक बड़ा जनाधार को धूमिल कर रहे हैं नीतीश कुमार, ये सही नहीं है। जब नीतीश कुमार को कायदे से वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं लेकर उन्हें प्रमोशन दिया जा रहा था, दबाव नहीं बनाया जा रहा था कि अब रिटायरमेंट दीजिए जैसे कि भाजपा बना रही थी, वैसा तो तेजस्वी नहीं बना रहे हैं बल्कि आपका प्रमोशन करने की बात कर रहे हैं। आप भी इसके लिए तैयार थे लेकिन एकाएक आपने कैसे करवट बदल दिया जी। आप देश यात्रा पर जाने वाले थे, आप देश की चुनौतियों को स्वीकार करने वाले थे, आप भाजपा को एक बड़ी चुनौती देने की बात कर रहे थे और एकाएक आप बिहार में घूमने लगे। चलिए बिहार घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिहार आप ही का ना है 17 साल से, आप घूमिए बिहार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव की कई बातों को आपने बीच में ही छोड़ दिया है। मंत्रिमंडल का विस्तार है, तेजस्वी के जातीय समीकरण को जो साधने की कोशिश वो कर रहे हैं उस पर बार बार आघात हो रहा है। मंत्रियों की छुट्टी करा दी आपने, आपकी वजह से सुधाकर सिंह आज भी नाराज है और क्या क्या बोल रहे हैं आप सुनिए। तो ये पूरा का पूरा जो बिहार में बन रहा है महागठबंधन में, कैसा कहा जाए, खिचड़ी, इसकी इसके पकने की सुगंध तो नहीं आ रही है लेकिन जलने की सुगंध जरूर आ रही है। और ये महागठबंधन के लिए भी घातक है, ये तेजस्वी के लिए तो बहुत घातक है क्योंकि बार बार जो है ना काट की हांडी वो नहीं चढ़ती है। पिछली बार चुनाव में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, शायद उनके किस्मत में नहीं होगा मुझे ये लगता है जी। इस वजह से वो नहीं बन पाए लेकिन अब तो देरी जो हो रही है वो पूर्णतया नीतीश कुमार द्वारा क्राइम किया जा रहा है जी। तेजस्वी यादव के साथ गलत किया जा रहा है। और ठीक है, मान लेते हैं हम
होली तक नीतीश हो सकता है मान जाए, लेकिन उनकी मंशा मानने की नहीं है। 25 तक बात लेके जो गए हैं इससे तो और शक हो रहा है जी। और जब बिहार यात्रा पे वो गए हैं देश को छोड़कर, तो शक तो पूरा पुख्ता हो जाता है कि वो बिहार में अपनी पार्टी को खोई हुई साख को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं जी। लेकिन जो टेक्निकल गलतियां उन्होंने कर दी हैं आरसीपी सिंह को लेकर, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, उन गलतियों को भी तो सुधारना होगा जी। अब नीतीश कुमार के खोए हुए जनाधार और टूटते संगठन को कोई फेविकोल नहीं मजबूत कर सकता है। लालू यादव स्वयं भी नहीं ठीक कर सकते इनके संगठन को। याद मुझे पड़ता है बार बार बाबा ये कहानी बताते हैं कि कैसे बिहार में लवकुश समीकरण की एक बड़ा रैली हो रहा था, बिहार में हुआ था जी, जी। समागम हुआ था, उसमें सतीश कुमार ने मंच साझा था, मंच साझा उन्होंने सजाया था, उस मंच पर नीतीश जानना चाहते थे क्योंकि जातीय समीकरण की का मंच था जी। और लालू यादव ने उन्हें वहां भेजा दबाव डालकर कि जाइए आप, आपके लायक मंच होगा, आपको अपने समाज को पकड़ना है। तो जैसा लालू यादव साथ यादव आज खड़े थे वैसे ही नीतीश कुमार के पीछे समता पार्टी और उस जमाने के सारे लवकुश इकट्ठा हुए उस मंच पर जाने की वजह से। हालांकि उसका फायदा सतीश को नहीं मिला, लेकिन नीतीश को पूरा फायदा मिला जी। लेकिन नीतीश कुमार ने कभी समाज के लिए बहुत कुछ किया नहीं जी। ऐसे ही समीकरण पर कहीं ना कहीं लालू यादव के द्वारा दिया गया जो एक वरदान था नीतीश कुमार को कि जाइए उस कार्यक्रम में, वो दोबारा उन्होंने 2017 में देने की कोशिश की। 17 में उनको देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए दही का टीका लगाया था, वहां भी उन्होंने लालू यादव को धोखा दे दिया जी। और फिर 17 में ही आपने देखा सरकार के संग तोड़ा था। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को भी वो धोखा देना चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि तेजस्वी बच्चे नहीं हैं। नीतीश कुमार की चाल को वो भांप रहे हैं। ठीक है, मंत्री को हटा दिया, ठीक है एक और मंत्री को हटा दिया, ठीक है कुर्नी सीट आपने मांगी हमने दे दिया, कुछ दिनों के लिए वनवास पर भेज दिया प्रदेश अध्यक्ष को, लेकिन सुधाकर सिंह के बयान में भले ही कोई गलती हो, सुधाकर सिंह के बयान के आधार पर राजद उनको बाहर नहीं करेगी, अपना एक और विधायक कम नहीं करेगी, ये भी स्पष्ट कर दिया है तेजस्वी यादव ने जी। ये बात भी उन्होंने कह दी कि ये जो बाहर करने का बात है सेफ खेले, ठीक है अगर एक बार कह देंगे नहीं हटाएंगे तो फिर तो लड़ाई हो जाएगा ना। नीतीश इन सब चीजों को बहुत ईगो लेते हैं और उसके चलते बवाल हो जाएगा। तो उन्होंने सीधे तौर पर इसे लालू यादव से जोड़ दिया कि जाइए लालू जी से फरियाद लीजिए, लालू यादव ही फैसला करेंगे इसका। और ये मास्टर स्ट्रोक है तेजस्वी यादव का। अब इसकी इसके चलते जदयू खेमे में बेचैनी बढ़ गई, और जदयू के खेमे में बेचैनी ही नहीं बढ़ी बल्कि उपेंद्र कुशवाहा ने तो अल्टीमेटम दे दिया है कि बाहर करना पड़ेगा आपको। आप ये नहीं कहे खाली कह सकते हैं कि बयान खराब दिया है लेकिन हम फैसला नहीं लेंगे इन पे, आपको करना होगा बाहर। अब ये बात समझिए जा सा, क्या जदयू के लोग तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं क्या? अब तो बोल ही रहे हैं। क्या सुधाकर सिंह अकेले नेता हैं जो विरोध में बोल रहे हैं नीतीश कुमार के? अरे कितने लोगों का मुंह बंद कीजिएगा महाराज, समाजवादी चेतना विचार के मंच के लोग जो हैं वो नहीं चुप रहेंगे। आप जो बिहार भर में घूम घूम कर अपना फेस लिफ्टिंग कर रहे हैं इससे बिहार का फायदा नहीं होने वाला है जी। शराब पीकर लोग मर रहे हैं, आप देखने तक नहीं जा रहे हैं, लोग आपके पुल बह जाते हैं, केंद्र का पुल गिरता है तो आप खुशी मनाते हैं जी। ट्वीट करते हैं, कहते हैं हाँ वो तो गिर गया। आपका पुल बहा था याद है आपको? आपकी सड़कें खराब है आपको याद है? किस तरीके से बिजली का बंदरबांट हो रहा है आसपास आपके, आपको आपने देखा है कहीं जी? ये सारी योजनाएं जो विफल हो रही है बिहार में आकर उनके बारे में चिंतन किया है आपने कभी? आप जा रहे हैं तो सड़क पे गड्ढा भरा जा रहा है तब आप पहुंच रहे हैं, आप जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से, सड़क टूटा हुआ है कैसे समझ में आएगा? बाढ़ हो आया है कि ऊपर सर्वे करके निकल जाइएगा? समाधान निकालने चले हैं ना, समाधान ही निकालने चले हैं कि इसकी समस्या पैदा करने चले हैं? स्पष्ट कीजिए। और एक और बात है, कहीं ना कहीं नीतीश की मंशा तो स्पष्ट हो ही गई है, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है, नहीं पीछे हटेंगे, सुधाकर सिंह को नहीं हटाएंगे, विधायक को अपने एक और कम नहीं करेंगे आपके लिए, आपके चलते एक एक करके उंगली आप कहते हैं हाथ नहीं कटाएंगे कटवाएंगे तुम्हारा, लेकिन एक उंगली दे दो, एक एक करके आप सारा उंगली ले लिया तो बचेगा हाथ मेरा? तेजस्वी की 3-4 उंगलियां काटने के बाद अंतिम उंगली भी मांग रहे हैं, संभव नहीं है दे पाना। और जो काम इन्होंने किया है खासतौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने जो बयान दिया है, ये बयान तो इस बात का बिल्कुल घोतक है जी। कि बिहार में महागठबंधन में महालड़ाई छिड़ चुकी है। ये नीतीश कुमार का यात्रा पर जाना इस ठंड में बहुत बहुत गर्मी पैदा कर चुका है महागठबंधन में,
और राजद के लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कुर्नी के जो सिटिंग विधायक थे उनकी बयान को याद कीजिए, कल जो आपने देखा विधानसभा के अंदर में कैंपस में जो भाजपा और राजद के विधायक दोनों मिलकर जो बातें कर रहे थे, क्या उन बातों को सुनकर आपको लग रहा है कि वो नीतीश कुमार के सरकार के विधायक है? विपक्षी दल जैसा बात कर रहे हैं। उनकी वेदना को देखकर क्या आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति जनप्रतिनिधि है? उतना दुखी जनप्रतिनिधि है, वो कह रहा है काम ही नहीं हो रहा है, जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। अरे महाराज, पूर्व में श्याम रजक छोड़े हैं, कई मंत्री मदन सहनी से लेकर आज नाराज रहते हैं, और आप बिहार यात्रा पर जा रहे हैं, किसको बचा रहे हैं? क्या जो नेटवर्क बना रखा है आपने भ्रष्टाचार करने का संस्थागत ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से, क्या उस नेटवर्क को बचा रहे हैं? क्या लग तो वही रहा है, यही लग रहा है ना। तो निश्चित तौर पर मानकर चलिए तेजस्वी यादव से ये जो नेक्सस इन्होंने बनाया है कि बचेगा नहीं, और लाख कूद लें ललन सिंह, लाख कूद लें उपेंद्र कुशवाहा, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। जिसके पास ज्यादा विधायक है वही सरकार चलाएगा। आप देख लीजिए होली तक की कहानी, होली तक नीतीश कुमार पर नैतिक दबाव तो पड़ा ही हुआ है, ऐसा राजनीतिक दबाव पड़ेगा कि इनके इनके सामने राष्ट्रपति शासन की का एकदम झलकी दिख जाएगा, इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर गए और इधर उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी से आमने सामने की लड़ाई ले ली है। अब इसका अंजाम क्या होता है? तेजस्वी विधायक को हटाने के मूड में नहीं है और कुशवाहा बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हटाना ही होगा। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386